यह हमारे परिवार वालों को कोरोना बताया गया है, मेरे भाई को भी कोरोना बताया गया है, उमेश सेन को, और मेरी माता को अनीता को भी कोरोना बताया गया है, और मेरे पिताजी पहले ही आड़ी गाड़ी में है और मुझे भी कोरोना बताया गया है, पर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और शासन प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं हमारी मदद की जाए। गरीब आदमी को दबाया जा रहा और ऐसी जगह पर रखा जा रहा, देखिए देखिए आप तीन शेड देखिए, ये गर्म टापरे में हमको रखा जा रहा है, और इस गर्म टापरे में हमारी व्यवस्था नहीं की जा रही, पानी खाना वगैरह बहुत कुछ नुकसान किया जा रहा है हमारा। हम जीते जी मर जाएंगे, कोरोना से बाद में मरेंगे पर जीते जी मर जाएंगे। देखिए मेरी माता बेचारी भूखी प्यासी, सुबह से उपास है इसका उपास, सुबह से इसका उपास बना हुआ है, और बुधवार और शनिवार ने रविवार करती है ये, इसको ना फरियाल की व्यवस्था है ना कुछ भी नहीं, शासन द्वारा गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। और ये सामने गाड़ी आई है देखो लेने, उनको ये इनको ले जा रहे हैं, जीते जी मार डाला हमारे गरीब लोगों को, जीते जी मार डाला है, और हमारी सुविधा नहीं की जा रही है कुछ भी, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया और दबाया जा रहा हमें पल पल, सहयोग नहीं कर रहा है, ये रो रहे हैं, हमारे माता पिता रो रहे हैं, मेरे पापा भी रो रहे हैं, मेरा भाई भी रो रहा है। देखिए शासन की नाफरमानी है, जो गरीब आदमी को दबाया जाता पहले ही उनकी सुविधा की जाती तो ऐसी नौबत नहीं आती, ऐसा संस्कार है सरकार का हमारी तरफ से, गरीब लोगों को मारा जा रहा है खतरनाक तरीके। देखिए धूप में तपते हुए इंसान पर रखा जा रहा है हमको, देखिए ये ऐसे जगह पे हम गर्मी के मारे मर रहे हैं, पानी नहीं आया आज हमारे यहाँ, हमने टैंकर का गंदा पानी टैंकर का पी रहे हैं, होल वाला ये गार्डन वाला भी हितरा रहा है, गार्डन वाला भी हमारे को कोई मदद नहीं कर रहा ना, पानी भरने दे रहा, लेट बाद में भी पानी नहीं है, और मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मेरे को मरने की नौबत आ गई है। शासन से सहयोग मांगा जा रहा, प्रधानमंत्री डायरेक्ट हमारे से सहयोग हमारे से बात करें और हमें सहयोग प्रदान करें, नहीं तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। हमारे समाज को दबे कुचले समाज से आते हैं हम दबे कुचले समाज से आते हैं, हमको दबाया जा रहा है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। देखिए हमारे परिवार वाले रो रहे हैं, हमें कितना नुकसान हो रहा है, हमारा पूरा करियर बर्बाद हो गया है, हम कम पढ़े लिखे होने के कारण हमारा पूरा परिवार नष्ट कर दिया गया है, पूरा परिवार नष्ट कर दिया गया है। सर हमारी मदद की जाए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद मांगते हैं, और हमारे जो भी चाहने वाले हैं उनसे मदद मांगते हैं।